हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं अभी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं अभी रोटी बना ले रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए अभी मैं लंच के लिए भी बना दूँगी, टिफिन में ले जाने के लिए, और हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो देखिए, मैं अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना ली हूँ। अभी मैं मॉर्निंग के काम कर ली हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वैसे सब काम कर ली हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो देखिए, मैं अभी छोटे वाले गैस पे जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, और ऊपर में अभी मेरा बन रहा है भुंजिया, तो अभी मैं इसीलिए अभी नीचे में बैठ के रोटी बना रही हूँ। तो एक साथ मेरे दोनों काम हो जाते हैं। आप इस तरह से ट्रिक आजमाइएगा तो आपके जल्दी से काम हो जाएंगे। तो देखिए, मैं अभी रोटी बना ले रही हूँ अच्छी तरह से। हाँ, अभी देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, उसके लिए सॉरी। तो अभी मेरी बेटी रिकॉर्डिंग करती है, तो उसके वजह से कैमरा ज़्यादा हिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी, आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो इसी वजह से जैसे इंसान बूंद बूंद घड़ा भरता है, उसी तरह से मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होते होते पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं अभी सीखते सीखते सीख जाऊंगी, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो इसी वजह तो सपोर्ट चाहिए तो मैं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो देखिए, मेरे तो सुबह से 6 बजे से सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी मैं इस जल्दी, अभी विंटर का मौसम है तो जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठने के लिए। ऐसे इनको 9 बजे जाना रहता है, तो इसी वजह से मैं अभी सुबह के जो काम होते हैं, पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और फिर नहीं तो नहीं जाना रहता है तो फिर मैं नहा कर बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। नहा कर ही बनाना चाहिए फ्रेंड, पर क्या करे, मजबूरी है, ऐसे बनाना पड़ता है। देखिए, मैं अभी पैक कर दे रही हूँ उनके टिफिन में ले जाने के लिए, वो भी रेडी हो गए हैं, अभी टाइम हो गया है, तो मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ। हाँ, मैंने अभी पत्ता गोभी और आलू की सूखी सब्जी बनाई थी, देख लीजिए, मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की, तो उसके लिए सॉरी। उस समय मेरी बेटी सोई ही रहती है, तो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अभी, मैंने स्टैंड अभी नहीं लिया है, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा डालने के लिए मशीन में, तो देखिए मैं अभी डाल देती हूँ कपड़ा। तो मैंने कितना पानी लिया है और कितना क्वान्टिटी में सर्फ डालूँगी, तो देखिए मैंने अभी इतना पानी लिया है, और एक ढक्कन के करीब मैंने सरफ डाला है, और अब इसमें सारे कपड़े डाल दूंगी। धूल इधर धुलते रहेगा, उधर मैं फिर वॉश कर लूँगी धोने के बाद, अभी क्योंकि मैं। हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं अभी सुबह के मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके आ गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो बने रहे मेरे वीडियो में फ्रेंड्स, और कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और बने रहे मेरे वीडियो में। और चलिए, मैं आप आज क्या मैं बनाने वाली हूँ, तो मिलती हूँ मैं वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप किचन में। तो देखिए, मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं आज बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये चना दाल भिगो के रखा था 2 घंटे पहले, तो मैंने चना दाल भिगो लिया है।
उसके लिए इसको मैं पीस लूंगी मिक्सर में। और फिर उसके बाद चाहिए दही, एक कटोरी दही है, प्लेन दही आप लीजिएगा, थोड़ा खट्टा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर ये है एक कटोरी बेसन। तो और जो रेगुलर के मसाले होते वो मैं ऐड करूंगी, तो वीडियो में बने रहे और देखते रहे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो अभी मैं चने दाल को पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मैं अभी कढ़ी बना लेती हूँ, उसके लिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है और उसमें अभी जो मैंने चना दाल पीसा था उसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो अभी नमक आवश्यकता अनुसार, फिर हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और फिर लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड करूंगी। तो देखिए मैंने ये तीनों ऐड कर लिया है, फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से उसको मिला लूंगी। इसको मिला लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड अभी लाइट कट जाता है तो इस वजह से मैं अभी गैस पे बनाने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए मैं अभी ऑयल डाल रही हूँ, तो आप सरसों ऑयल, रिफाइंड ऑयल दोनों ले सकते हैं जो आपको, जो आप बनाते हैं जिसमें। तो मैंने दोनों मिक्स कर लिया है, सरसों भी और रिफाइन भी दोनों मिक्स करके इसमें आप जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उतना हिसाब से आप डालिए। मेरा तेल गरम हो गया था तो मैं अभी डाल देती हूँ। मेरा कढ़ाई बड़ा है ना, इस वजह से पता नहीं चलता है कि कितना तेल है, पर मैं क्वांटिटी इतना ही डालती हूँ तेल। मैंने अभी डाल दिया है, अभी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दूंगी, उसके बाद मैं पलटूंगी। अभी जब अभी उसको अथी कर दूंगी तो फिर चिपक जाएगा। तो देखिए मैं उधर मेरा बन रहा है, इधर मैं अभी ग्रेवी के लिए आ गई हूँ। तो पहले मैं बेसन डाल दी और फिर दही और पानी, ये सबको मिक्स करूँगी और फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी रेगुलर के। तो अभी मैं नमक डाल दे रही हूँ, एक से डेढ़ चम्मच। और हल्दी पाउडर एक चम्मच। इसमें जो रेगुलर के मसाले हो तो वही काली मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर ये सब डालना रहता है। तभी मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं बनाती हूँ एकदम सिंपल तरह से। ऐसे तो मसाले वाली भी बनते हैं, तो अभी मैं सिंपल तरह से बना रही हूँ ब्रेकफास्ट थी। अब मैं अच्छी तरह से इसको मैश कर लूँगी ताकि गुठली गुठली नहीं रहे। अब देखिए मैं इधर आ गई हूँ और मेरा उधर बन गया है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी, कितना अच्छा इसका कलर आया है देखिए, फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब मैंने एक बार निकाल लिया था तो मेरे बच्चे खा लिए हैं उसको। अब मैं इसको फिर से इतना ही मैं डालूंगी ग्रेवी में, कढ़ी में। ज़्यादा सूखा ही पसंद करते हैं मेरे बच्चे और मुझे भी पसंद है सूखा ही वाला, तो इस वजह से। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं तड़का लगा दूंगी। तो तड़का के लिए मैंने लिया है दो तेज पत्ते, दो लाल मिर्च और राई। आप राई येलो वाला भी ले सकते हैं और ब्लैक वाला, मैंने येलो वाला लिया है। इसको सरसों भी बोलते हैं हम लोग तरफ तो सरसों ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, मेरा तड़का तड़क गया था तो इसमें डाल दिया है ग्रेवी जो मैंने बना के रखा था। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। देखिए मैंने अभी पानी ऐड कर लिया है इसमें और इसको मैं चलाऊंगी।
तो देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मेरा ये कड़ी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।